आज है रिसेप्शन के बाद वाला दिन और आज हम लोगों ने बनाए कढ़ी चावल और आलू प्याज की सब्ज़ी। एक्चुअली जो रोटी वाली थी वो हमने बारात वाले दिन तक के लिए लगाई थी, फिर उसके बाद में रिसेप्शन का हमारा खाना जो वहाँ बनना था, तो आज हम लोग खुद ही खाना बना रहे हैं। तो आज है नेक्स्ट डे से भी नेक्स्ट डे, और जो कल चावल बनाए थे वो बच गए थे, तो उनको बस तेल में फ्राई किया है और ये भिंडी काट के रख ली है क्योंकि भिंडी बन रही है साथ में, और छोले पनीर की सब्ज़ी और रायता बनेगा। तो यहाँ पर भिंडी को छोंकने की तैयारी हो चुकी है, यहाँ पे तेल वगैरह गर्म हो रहा है और यहाँ पर छोले उबल चुके हैं, और ये है मेरे देवर और देवरानी दोनों बड़े वाले। तो खाना बन ही रहा था कि ये लोग भी आ गए। कहते हैं कि इनका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता है, ये हमारी खुशियों में नाचने गाने के लिए आते हैं, बधाइयाँ देने के लिए आते हैं, और जो इनकी ब्लेसिंग्स होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि जो ये आशीर्वाद दे देती हैं वो कभी भी खाली नहीं जाता है। बस ये यहाँ पर बधाइयाँ गा रही हैं और डांस कर रही हैं।
तो आज पगफेरे की रस्म है और ये बैठे हैं, ये मेरी मौसी सास है और जो मेरी नई देवरानी है उसके भाई बहन वगैरह जो हैं वो लेने के लिए आए हुए हैं क्योंकि आज पगफेरे की रस्म है। तो बस अभी जो नई देवरानी आई है वो दहलीज पे थोड़ी सी पूजा की जाती है, दहलीज को सिराना कहते हैं जिसे, तो बस वो हैंड वॉश करने के लिए गई है और सब लोग बैठे हैं। यहाँ पर ये दहलीज है उस पर हल्दी लगा करके और साथिया बनाया जाता है, हल्दी से दहलीज को साफ करके और फिर सिंदूर से साथिया बना करके और लड्डू से भोग लगा दिया जाता है। तो इस तरह से दहलीज को सिराया जाता है। तो मम्मी बताती जा रही है उनको कि किस तरह से करना है, तो वो वैसे ही करती जा रही है। तो इस तरह से दहलीज को दहलीज पे ऐसे साथिया बना करके और पूजा की जाती है और फिर उसके बाद में जो बहू होती है नहीं वो पगफेरे की रस्म के लिए विदा हो जाती है। दहलीज वगैरह सिरा देने के बाद में जो देवरानी थी वो चली गई थी और उसके बाद में बस हम लोगों ने किचन को समेटा और बस यही थे मेरे वेडिंग के व्लॉग्स। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप सबको वेडिंग का एक एक चीज़ दिखा सकूं, जितनी दिखा सकी मैंने दिखाई। तो आई रियली होप कि आपको ये मेरे वेडिंग के व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय माता दी।